कार्यक्रम में सब पेली आप सबरो बहुत बहुत स्वागत। पधारो मारे देश। जोधपुर माए गणगौर रात त्योहार रे मौके मस्ती न उल्लास सरोवर फगड़ा घुड़ला मेलो आपरी खास पिछाण बनाई है। गवर मातारी भोलावनी रे मौके शहरी कई गणगौर कमेटियां कानीसू 50 आकर्षक झांकियां मेला माए शामिल हुई। मेला माए युवतियां रो स्वांग रचा थिरत्ता युवाओं रो उत्साह देखता ही बने हो। मेला रे दौरान वीर री झांकी आकर्षक री सलीम अनारकली बग्गी माए राजा रानी शिव पार्वती गवर ईसर रामदेव ऊंट माथे ढोला मरवण और मारवाड़ी नृत्य री झांकियां मेला देखण आया लोगां रो दिल जीत लीनो। मेला माए बैंड वादक मधुर स्वर लहरियां बिखेरता चाल रिया हा। पार्वती री प्रतीक गणगौर माता री पीहर सू विदाई भोलावनी रे दिन ही नागचेणिया माता मिंदर सू राज गणगौर री सवारी गाजे बाजे रे साथे निकले है। औरता गवर माता री परिक्रमा और पूजा अर्चना रे पाछे गणगौर ने विदाई दीनी। जोधपुर रा पहली रा महाराजा गत सिंह और आमंत्रित मेहमान पारंपरिक वेशभूषा माए इन माए शामिल हुआ। माणकरा उपलब्ध अंकारा बरसवाल 17 जिल्दा में लगे टगे 14,000 पाना में राजस्थानी रचनावा से सरोबार लूटे संग्रेजोक साहित्य आपने क्षेत्र के स्कूल कॉलेजरा पुस्तकालय सार्वजनिक वाचनालय और ग्राम पंचायत में भेंट कराओ। कीमत सिर्फ 2501 रुपया। भेंट कियो रो हर एक सजल सेट आपके योगदान में विगत सो स्थायी यादगार बन जाती। आप आदेश और पता माथे भिजाओ। मानक प्रकाशन जल्दी दीप भवन जालोनी गेट जोधपुर। अबे आपा बात करला बात बंतल माए सप्ताह भर रे खास खास घटनाओं री समारोह री और कार्यक्रम री। भारतीय रिजर्व बैंक कानीसू प्लेटिनम जयंती वर्ष रे दौरान जयपुर माए दुर्लभ नोटा री प्रदर्शनी राखीगी। प्रदर्शनी माए 11 काउंटरा माथे शो के समय 55 नोट दर्शाया गया जो दुर्लभ मान्या जावे है। प्रदर्शनी रे जरिए आम जनता ने नोटा रा इतिहास रूबरू होवन और जूना वास्तविक नोटा ने देखण नो मौको मिल्यो। रिजर्व बैंक रा क्षेत्रीय निदेशक बीपी कानून गो प्रदर्शनी रे बाबत महाने बतायो। यहाँ 1935 से जैसा कि मैंने बताया नोटों का विकास दिखाया गया है, नोटों का डिजाइन कैसे बदला है 1935 के बाद, उसका सिक्योरिटी फीचर कैसे सब जाली नोट को रोकने के लिए बढ़ाया गया है, ये सब इसमें दिखाया गया है। तो 11 पैनल में 55 नोट का हम जो प्रदर्शनी लगाए हैं, ये सब देखने को सबको एक मौका है, जो कि बहुत लोग जानते नहीं थे कि इसी टाइप का नोट 5,000-10,000 का हुआ करता था। तो इसमें ये जानकारी की ये इस प्रदर्शन के जरिए दिया जा रहा है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। दूरदर्शन रा स्वर्ण जयंती वर्ष उपलक्ष माए लाडले हफ्ते जयपुर रा जवाहर कला केंद्र माए लोक उत्सव रो आयोजन करियो गयो। राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव रे सानिध्य माए आयोजित इन उत्सव माए कई राज्य रा कलाकार आपरी उम्दा कला रो मुजाहिरो कीनो। लोक उत्सव रो शुभारंभ राजस्थान रा लंगा और मंगणियार जाति रा कलाकार रा गायन वादन सु हुयो। गुजरात रा आदिवासी कलाकार भी आपरी कला सु दर्शका ने मंत्रमुग्ध कर दीना। महाराष्ट्र कलाकार लावणी नृत्य सु सभी दर्शकों रो मन जीत लीनो।
मणिपुरी लोक नर्तकियां कृष्ण और राधा और गोपियां रे साथे रासलीला रो सुंदर चित्रण कीनो। जोधपुर माए स्वर्गीय केसरी लाल बोरदियारी यादगार माए आयोजित समारोह माए जाण्या माण्या शिक्षाविद उमा शंकर त्रिपाठी बंधु जी ने सम्मानित करयो गयो। चंद्रा भंडारी बंधु जी ने शाल ओढ़ार और श्रीफल देर सम्मान दीनो। जलसा माए महेश शिक्षण संस्थान रा उपाध्यक्ष केवल चंद मोदी बंधु जी ने प्रेरक पुरुष बतावता थका कहो कि वे शिक्षा सारू आपरो सर्वस्व नोछावर कर दीनो है। जीवन रक्षा ट्रस्टरी मैनेजिंग ट्रस्टी मंजुला बोरदिया ट्रस्टरी रिपोर्ट पेश कीनी। विश्व जल दिवस रे मौके जोधपुर माए जल भागीरथी फाउंडेशन और वेल्स फॉर इंडिया का निसू साझा माए जल यात्रा निकालर जल संरक्षण रो संदेश दियो गयो। रानी सागर तालाब सू गुलाब सागर ताई आयोजित जल यात्रा री अगुवाई पहलीरा सांसद गत सिंह और हेमलता राजे कीनी। श्री माहेश्वरी समाज जयपुर आम लोगों वास्ते कई जनहितरा काम चलावे इना रे बारे में आपने बता रिया है माहेश्वरी समाज रा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सारडा। माहेश्वरी समाज की स्थापना 1936 में जयपुर शहर में हमारे पूर्वजों ने की थी। उस समय मुख्य उद्देश्य इस संस्था को स्थापित करने का एक मुख्य उद्देश्य था समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाए, जयपुर में शिक्षा की सुविधा को बढ़ावा दिया जाए, उसके साथ समाज के जो रीति रिवाज और सामाजिक कार्य हैं उनमें भी योगदान देके उनको अच्छे ढंग से आयोजन करना सद्भाव बनाने का उद्देश्य था। प्रथम विद्यालय 1936 में चौड़ा रास्ता में माहेश्वरी उच्च विद्यालय के नाम से स्थापित किया। यही विद्यालय अभी तिलक नगर में चल रहा है, लगभग जिस 1936 से वहाँ चौड़ा रास्ता से प्रारंभ हुआ और उसके बाद में हमने तिलक नगर में एमपीएस जवाहर नगर की स्थापना की और उसके बाद में एमजीपीएस विद्यानगर ने स्थापित किया, जिनमें वो गर्ल्स के लिए है, एमपीएस जवाहर नगर केवल बॉयज़ के लिए है। और सन 2008 में इस माध्यम का एक और विद्यालय प्रताप नगर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के नाम से स्थापित किया। ये सह शिक्षा को एजुकेशन पे चल रहा है। गर्ल्स के लिए बालिकाओं के लिए प्रताप नगर में ही आर्ट्स और कॉमर्स का कॉलेज इसी जुलाई 2010 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और समाज में हमने चिकित्सा के लिए शहर के अंदर तोपखाना के रास्ते में एक हॉस्पिटल खोल रखा है जो समाज की निरंतर सेवा कर रहा है। गरीब तबके के लोगों का ज़्यादा वहाँ वास है, उनके काम में आ रहा है। एक जनउपयोगी भवन उत्सव हमने 2008 में प्रारंभ किया, जिसमें सारा दान से पैसा इकट्ठा किया। राज्य सरकार ने रियायती दरों पे हमें ज़मीन अलॉट करी। ये पूर्ण सुविधा संपन्न भवन है। हमारे जो समाज के पिछड़े हुए परिवार है उनमें हमने एक इकोनॉमिक जिनकी मंथली इनकम 4000 तक के परिवार हैं उनकी बच्चों की पूर्ण शिक्षा हम फ्री देते हैं। भले तो हमारे विद्यालय में हो या दूसरे विद्यालय में हो तो उनकी फीस हम देंगे। इसी प्रकार उनकी चिकित्सा का खर्चा भी हम उठा रहे हैं। शंकर गिरिजापति पार्वती पदेश्वर नर रुंड माला महामय महेश्वर शंकर गिरिजापति जटामि गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर नम कैलाशपति सदी पर भुवनेश्वर शंकर गिरिजापति
मधु भट्ट तेलंग संगीतरी दुनिया माए जाने पहचाने नाम है। ध्रुपद संगीतरी पहली महिला गायिका ध्रुपद परंपरा रे बाबत बताता था का कयो। ध्रुपद शैली है, गायन शैली है, और जिस तरह से ये मान लीजिए कि सुगम संगीत में भजन होते हैं, गीत होते हैं, ये शैलियाँ होती हैं, ऐसे क्लासिकल म्यूजिक जिसे पक्का या शास्त्रीय गायन कहते हैं, उसमें ध्रुपद सबसे पुरानी गायकी रही। आज से लगभग 600 साल का इसका इतिहास है। 14वीं-15वीं शताब्दी में यह आ गई थी। ध्रुव और प्लस पद, ध्रुव का मतलब अटल, जैसे ध्रुव तारा अपनी जगह अटल है, और पद का मतलब स्वर साहित्य और ताल की एक मिली जुली रचना को पद कहा जाता है। तो वो ध्रुव क्यों है, क्योंकि उसमें राग का, ताल का और साहित्य का जो शास्त्र है उसको शुद्धता के साथ उस पर उसको उसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको ध्रुपद कहा जाता है। वे ध्रुपद गायनरी शिक्षा आपरा पिता सु ग्रहण कीनी, जो खुद एक इन विद्यारा बड़ा कलाकार हा। ध्रुपद गायकी के प्रति रुझान मेरे को मेरे पिताजी का गायन सुन के ही हुआ। जब वो रात को रियाज करके होते, हमको उनकी गोद में कई बार सो जाते, उनको सुनते रहते, तो एक आकर्षण अपने आप पैदा हुआ, क्योंकि कठिन गायकी। मधु भट्ट तेलंग ने बचपन से ही कई छात्रवृत्तियां और अवार्ड मिला है। उपलब्धियां तो अवार्ड्स मुझे बहुत सारे मिले। 13-14 साल की जब मैं रही, तब मुझे संस्कृति मंत्रालय द्वारा टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप मिली, और उसके बाद फिर कला संस्कृति विभाग के ही फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप फेलोशिप मुझे 6-7 मिली हैं। रिसर्च फेलोशिप भी मुझे आर्ट एंड कल्चर और संगीत नाटक अकादमी द्वारा मिला है, और उसके साथ मुझे 1982 में मुझे ऑल इंडिया रेडियो का जो है फर्स्ट अवार्ड मिला, स्वर्ण पदक मिला मुझे, और उसके बाद फिर महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का डागर घराना अवार्ड मिला। बम्बई से मुझे सुरमणि मिला, अमेरिका से बायोग्राफिकल सोसाइटी अवार्ड मिला।